गस्त वसिए लाल महादूरे मछूरे ललवन्ना रसूल मीर कश्मीर के 19वीं सदी के बड़े शायरों में शुमार होते हैं। रसूल मीर को कश्मीर का आशिक मिजाज शायर कहते हैं। रसूल मीर को जॉन केट्स ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। रसूल मीर की पैदाइश जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के डूरू कस्बे में हुई थी। अनगटे वन नाम नने कथई लाल फरोशन कने मंज नेरा बाल मरायो अगरचे रसूल मीर के खानदान के बारे में जाना जाए, वो एक ज़मींदार खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। की उम्र के बारे में लोगों में इख्तिलाफात पाया जाता है। गुलाम नबी फिराक के मुताबिक उसकी वफ़ात 60 साल की उम्र में हुई थी। अब्दुल अहद आज़ाद कहते थे उसकी वफ़ात 1940 ईस्वी में हुई थी। अगरचे मकामी तवारीख को देखा जाए तो महमूद गामी से पता चलता है कि उसकी वफ़ात जवानी में हुई थी, क्योंकि वो कहते थे अमिच जानमार्गी हिंद कॉडर। रसूल मीर की शायरी में जवानी दिखाई देती है जो दिल को छू जाती थी। बतनो ये दूरे चोन जरे बाल मरायो रसूल मीर कश्मीरी में गज़ल शायरी लिखते थे। वो दरियाओं, वादियों, परिंदों, फूलों, फलों और कश्मीर की खूबसूरती के मुतल्लिक लिखते थे। उनकी शायरी में मोहब्बत दिखाई देती थी। कहा जाता है कि जब महमूद गामी की वफ़ात हुई थी 1855 ईस्वी में, उस वक्त रसूल मीर जिंदा थे। कहा जाता है कि रसूल मीर की वफ़ात मकबूल शाह क़रालवारी से पहले हुई थी, यानी 1874 से पहले। अगर रसूल मीर की शायरी को पढ़ा जाए, उसे पता चलता है कि उसकी वफ़ात जवानी में हुई थी। क्या थो थाम जर जरई बाल मरायो। ये छु रसूल मीर शाहबा डूरे ये वो आशको चे वो टूर टूरे मशमूरे लाल मुन्नार। कहा जाता है कि रसूल मीर एक कश्मीरी हिंदू लड़की से इश्क करते थे। रसूल मीर अपनी शायरों में उस हिंदू लड़की को कंग पद्मनी पोशमाल राज हिंदवारी के नामों से पुकारते थे। बुवेर ना गई हमें जा गई रागे मुत गारजान पूली तचिनगुन क्या दरंगी उनकी हाथे पान। रसूल मीर की वफात के बाद उसको अपने आबाई कस्बे डूरू में सुपुर्द खाक किया गया है। नौगाम बुजुम पैगाम चोनी चौगाम छक आसान बुवन दिमई सागम ब्रिंगी कोंगी हाव तैपान। अब सरकार ने उसकी कब्र के आसपास एक बाग तामीर किया है। बख्शी गुलाम मोहम्मद जो वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर थे, वो भी रसूल मीर की शायरी को बहुत पसंद करते थे। बख्शी गुलाम मोहम्मद ने ही रसूल मीर के दिन को मनाने का आगाज़ किया था। रसूल जानत दीनो मजहब रख्त जुल्फ चून काव जान क्या गो कुफर ते इस्लाम निगारो। मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ पे ये इवेंट देख के, और इसमें कितने एफर्ट्स लगे हैं वो भी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट ऐसे ही नहीं होता है विदाउट एफर्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी इसमें ऑर्गेनाइजर्स रहे हैं, तो मैं उनको सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगी, बिकॉज़ हमें ऐसे इवेंट्स की ज़रूरत है, और खासकर रसूल साहब की पोइट्री को उजागर करने के लिए और उनका नाम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हमारी यंग जनरेशन तक पहुँचाने के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है और बहुत ज़रूरी भी है। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए आगे भी। तो मुझे खुद आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, बिकॉज़ हम अलग अलग जगहों पे इवेंट्स करते रहते हैं, म्यूजिकल इवेंट्स जो कि मैं कह सकती हूँ कल्चरल इवेंट्स अदर, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है ये पहला ये कितना बड़ा म्यूजिकल इवेंट कल्चरल इवेंट आई कैन से हो रहा है या हुआ अभी ख़त्म होने को आया है। तो ये आप सबकी मेहनत का नतीजा है, और इतना सक्सेसफुल इवेंट ऑर्गेनाइज के लिए आप सबको मैं फिर से एक मुबारकबाद देना चाहूँगी। राजा निशा, मैं ये कोऑर्डिनेट कर रहा था ये फेस्टिवल। हम बहुत शुक्रगुजार हैं लाइन जी RR उन्होंने ये फेस्टिवल यहाँ पे डूरू में रसूल मीर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि लास्ट 7 सालों से ये फेस्टिवल नहीं हो रहा था, तो हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये एफर्ट लिया है, यहाँ पे ये रसूल मीर फेस्टिवल करवाया। हम सुधांशु मैनेजर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार के उन्होंने जो इफेक्ट मतलब ये फैसला लिया कि हम ये फेस्टिवल करेंगे यहाँ पे, तो उसी को देख रहे हैं आप, इतनी भीड़ थी यहाँ पे, क्योंकि हमारा तो यही मकसद है, इनका भी यही कहना है कि जो आजकल बुराई कामों में जितने भी मतलब जो न्यू जनरेशन है वो बुराई की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये फेस्टिवल किया है कि जो भी बुराई है उनसे सब स्टूडेंट स्कूल सब दूर रहे, और हम इनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि यहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने भी सपोर्ट किया, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने भी सपोर्ट किया, लेकिन सबसे क्रेडिट 19 RR को जा रहा है कि उन्होंने ही ये सब कुछ यहाँ पे करवाया। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने ही बुक करवाए, सब कुछ यहाँ पे उन्होंने ही किया। मैं राजा निशा, मैं ये कोऑर्डिनेट कर रहा था ये फेस्टिवल। हम बहुत शुक्रगुजार हैं RR उन्होंने ये फेस्टिवल यहाँ पे डूरू में रसूल मीर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि लास्ट 7 सालों से ये फेस्टिवल नहीं हो रहा था, तो हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये एफर्ट लिया है, यहाँ पे ये रसूल मीर फेस्टिवल करवाया। हम सुधांशु मैनेजर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार के उन्होंने जो इफेक्ट मतलब ये फैसला लिया कि हम ये फेस्टिवल करेंगे यहाँ पे, तो उसी वो देख रहे हैं आप, इतनी भीड़ थी यहाँ पे, क्योंकि हमारा तो यही मकसद है, इनका भी यही कहना है कि जो आजकल बुराई कामों में जितने भी मतलब जो न्यू जनरेशन है वो बुराई की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये फेस्टिवल किया है कि जो भी बुराई है उनसे सब स्टूडेंट स्कूल सब दूर रहे, और हम इनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि यहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने भी सपोर्ट किया, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने भी सपोर्ट किया, लेकिन सबसे क्रेडिट 19 RR को जा रहा है कि उन्होंने ही ये सब कुछ यहाँ पे करवाया। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने ही बुक करवाए, सब कुछ यहाँ पे उन्होंने ही किया। Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates.